नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल देव जी के ट्रिक में। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे वादा किया है कि आपका सिलेबस फुल कंप्लीट कराएंगे आपके एग्ज़ाम के पहले, अगर आप लोग साथ देते हैं तो आपका सिलेबस बहुत ही जल्दी कवर हो जाएगा। और आज के टॉपिक में पढ़ेंगे नदी, जलप्रपात एवं झीले, ठीक है ना। तो चलते हैं यहाँ पर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, क्योंकि आपके डेली आपके दो तीन वीडियो आते रहते हैं। चलते हैं यहाँ पर। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, निम्न में से कौन सी नदी ज्वर नदमुख बनाती है, अर्थात एस्चुरी बनाती है। यहाँ पर तो ज्वर नदमुख क्या होता है, इसको समझिए कि जब डायरेक्ट पानी आपका समुद्र तट पर न जाकर पहले वो प्रपात बनाता है, अर्थात कह सकते हैं कि पत्थरों से टकराने के बाद एक प्रपात का निर्माण करता है, उसको बोलते हैं ज्वार नदमुख, ठीक है। तो ये नदी आपकी डेल्टा नहीं बनाती है, ये ज्वार नदमुख बनाती है। तो इनमें आपके चार ऑप्शन है। ऑप्शन बी सही होगा, ताप्ती नदी, ठीक है ना। ताप्ती नदी है जो कि भ्रंश घाटियों में बहने वाली नदी है, ठीक है ना। ये भ्रंश घाटी से बहती है, इस कारण समुद्र से मिलने से पहले ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। और यह मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के सतपुड़ा पहाड़ी की मुलताई पहाड़ी से निकलती है, ठीक है ना। और ये पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, ठीक है। इससे जो बड़ी और नदी है उसका नाम है नर्मदा नदी, ठीक है। तो ऑप्शन में अगर नर्मदा होता तो ज़्यादा ही सही हो जाता उसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन भारत के लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में जाना जाता है। तो लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में जाना जाता है, तो अब सबसे पहली बात आती है कि लेक डिस्ट्रिक्ट क्या होता है। तो ये होता है जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा झीलें होती हैं, ठीक है, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा झीलें होती हैं, चारों ओर झीलों से जो घिरा होता है उसको यहाँ पर बोलते हैं लेक डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा, ठीक है, कौन सा, ए नंबर, अर्थात नैनीताल, ठीक है। नैनीताल उत्तराखंड राज्य में स्थित है नैनीताल, और भारत के लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में जाना जाता है क्योंकि यह चारों ओर से झीलों से घिरा हुआ है। और यहाँ सबसे प्रमुख झील है तो नैनी है, ठीक है, जो कि नैनी वहाँ पर जिला पड़ता है, ठीक है, वहाँ पर उसी के नाम से ही रख दिया गया है नैनीताल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपसे कह रहा है, कर्नाटक स्थित जोग प्रपात किस नदी पर है। तो जोग प्रपात जो है वो आपका कहाँ पर है, तो आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर, अर्थात सरावती। अब बात आती है सरावती नदी, तो सरावती नदी है किसकी, तो सरावती नदी कावेरी नदी की सहायक नदी है, ठीक है ना, सहायक नदी आपकी सरावती नदी है। और जोग प्रपात है तो जोग प्रपात कर्नाटक के शिमोगा जिले में है। कहाँ पर है, शिमोगा जिले में है। यह जो प्रपात है जोग प्रपात, ये चार प्रपात जो छोटे छोटे प्रपातों से मिलकर बना है, एक राजा है, राकेट है, रोरर है और दाम ब्लाचे हैं, इन चार प्रपातों से मिलकर बना है। और इसका जोग प्रपात का एक अन्य नाम होता है गरसोप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात, जिसकी ऊंचाई है 253 मीटर, ठीक है ना। तो इतने आपके क्वेश्चन यहाँ से बन सकते थे, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपसे कह रहा है, भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है। भारत की सबसे लंबी झील, तो अभी तक आप क्वेश्चन पढ़ते थे कि सबसे बड़ी झील मीठे पानी की झील, तो हम वो क्वेश्चन इंस्पेक्टर लाए हैं जो अब बन सकने की संभावना होती हैं। तो यहाँ पर भारत की सबसे लंबी झील कौन है, तो लंबी झील आपकी हो जाएगा डी नंबर, अर्थात बिम्बनाथ झील। बिम्बनाथ झील कहाँ पड़ती है, तो बिम्बनाथ झील केरल राज्य में है, ठीक है, कहाँ पर है, केरल राज्य में। और यहीं पर एक द्वीप है वेलिंगटन द्वीप, वहीं पर आपका नौकायान होता है, ठीक है, इसीलिए वेलिंगटन पुरस्कार नौकायान के क्षेत्र में दिया जाता है। तो बिम्बनाथ भारत की सबसे लंबी ताजे पानी की झील है, लंबी की बात कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर कयाल पाए जाते हैं जो मछली पकड़ने व नौकायान के लिए प्रयोग किए जाते हैं, इसे पुन्नमदा झील भी कहा जाता है, ठीक है, इसे बिम्बनाथ झील को पुन्नमदा झील भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वर नदमुख बनाती है। तो अभी आपका क्वेश्चन आया था लेकिन वहाँ पर आपका ऑप्शन नहीं था क्या, नर्मदा। तो अब जब आप बिल्कुल आपका सही हो गया, नर्मदा नदी, अर्थात नर्मदा नदी मालवा पठार की अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। यह विंध्य एवं सतपुड़ा के मध्य, किसके बीच, तो विंध्य पर्वत है और सतपुड़ा पर्वत के बीच
एक भ्रंश घाटी का निर्माण। भ्रंश मतलब क्या होता है, मान लीजिए ये पर्वत है, ये पर्वत है, भ्रंश मतलब कि दोनों के बीच से टूटता हुआ अर्थात बीच से एक रास्ता है। तो ये आपका है कौन सी, विंध्य पर्वत है, ये आपका कौन सा है, सतपुड़ा पर्वत, इसके बीच में ये आपका निकल के जाती है, पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है और अरब सागर में स्थित खंबात की खाड़ी में गिरती है। यह अपने मुहाने पर ज्वर नदमुख का निर्माण करती है। नर्मदा घाटी का अधिकांश भाग मध्य प्रदेश में बहता है, ठीक है, जबकि कह सकते हैं कि यह आपका भारतीय प्रायद्वीप के तटी पर डेल्टा नहीं बनाती है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, मध्य भारत से निकलकर यमुना गंगा में मिलने वाली नदी निम्न में से कौन सी है। तो मध्य भारत से निकलकर यमुना गंगा में मिलने वाली आपकी निम्न में से कौन सी नदी है, तो आपकी हो जाएगी यहाँ पर बेतवा नदी, ठीक है। मध्य भारत से आपकी कौन सी है, बेतवा नदी। तो बेतवा नदी यमुना की सहायक नदी है जो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में विंध्याचल पर्वत से निकलती है और हमीरपुर शहर के निकट एक जगह पड़ती है, कुमार गाँव, ठीक है। तो हमीरपुर शहर ये आपका यूपी में ही है, तो हमीरपुर शहर के निकट कुमार गाँव यमुना के दाएं तट पर जाकर मिल जाती है बेतवा नदी, ठीक है। बेतवा नदी में काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आपके देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है क्योंकि, क्यों कहा जाता है भाई, तो इसमें प्रायः तबाही मचाने वाली बाढ़ आ जाती है, ठीक है, इसमें से प्रायः तबाही मचाने वाली बाढ़ आ जाती है, इसलिए दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, ठीक है ना। और इसका उद्गम जो हुआ है दामोदर नदी का, तो दामोदर नदी का उद्गम हुआ है आपका छोटा नागपुर के पठार से हुई है, ठीक है, छोटा नागपुर के पठार से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन आपसे कह रहा है, खारी नदी किसके अपवाह तंत्र का अंग है, वह है खारी नदी। तो खारी नदी आपकी जो कह सकते हैं किसके अपवाह तंत्र का अंग है, तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर, अर्थात यहाँ पर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी, ठीक है, बंगाल की खाड़ी। तो खारी नदी समझते हैं, तो यहाँ पर खारी नदी पश्चिमी भारत में प्रवाहित होने वाली एक नदी है जो गुजरात राज्य में स्थित है, मटन मध्य गाँव में निकल कर चंबल नदी में मिल जाती है और चंबल नदी यमुना की सहायक नदी है जो गंगा के साथ मिल जाती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इस प्रकार जो खारी नदी है वो बंगाल की खाड़ी में है, मतलब निकलती गुजरात से जाती कहाँ पर, आपके बंगाल की खाड़ी में। तो कैसे, चंबल से यमुना, यमुना से गंगा, गंगा से फिर बंगाल की खाड़ी, इस प्रकार से ये खारी नदी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, प्रायद्वीपी भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। हमेशा क्वेश्चन आपके रिपीटेड होते हैं, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन आपके हैं। हम यहाँ पर वैसे 25 क्वेश्चन हमने इस वीडियो में लिए हैं, लेकिन आपके ऐसा नहीं कि 25 क्वेश्चन, ये पॉपुलर क्वेश्चन है जो इस समय आ ही रहे हैं, ठीक है, और यहीं से आपको मिल जाएंगे। कह रहा है प्रायद्वीपी भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो सबसे लंबी नदी कौन सी है, आपकी गोदावरी है, ठीक है, गोदावरी नदी है जो प्रायद्वीपी भारत या दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कहलाती है। इसकी लंबाई कितनी है, तो लंबाई आपकी है 1465 किलोमीटर और यह महाराष्ट्र में नासिक के एक जिला पड़ता है त्र्यंबक, तो त्र्यंबक की पहाड़ी से निकलती है और पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसे दक्षिण गंगा या बृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है, ये भी पॉइंट आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम का क्या नाम है। तो अलकनंदा और भागीरथी ये आपकी नदी जहाँ मिलती हैं उस संगम को बोलते हैं आपका देवप्रयाग, ठीक है, देवप्रयाग। आपने यहाँ पर जो देवप्रयाग है ऐसे आपने पांच प्रयाग पढ़े होंगे, ठीक है, पांच प्रयाग होते हैं और आपको बताते हैं, देखो अलकनंदा और भागीरथी उत्तराखंड के टिहरी, ठीक है, टिहरी गढ़वार जिले में देवप्रयाग स्थान पर आपस में मिलती हैं। इसके पश्चात इस नदी को गंगा के नाम से भी जाना जाता है, जब यहाँ से निकल जाती है देवप्रयाग के बाद तभी इसे गंगा कहा जाता है। देवप्रयाग पंच प्रयागों में से अंतिम है, मतलब पांच प्रयाग हैं वहाँ पर, तो ये आपका अंतिम प्रयाग है, ठीक है। इसके पहले कौन होते हैं, तो विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, ठीक है, और पांचवा आपका होता है यहाँ पर देवप्रयाग। तो आपको याद रखना कि पंच प्रयागों में से ये आपका अंतिम प्रयाग है देवप्रयाग, यहाँ के बाद आपकी नदी जो होती है गंगा नदी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन आपसे कह रहा है, तिब्बत में सांगपो कहलाने वाली नदी कौन सी है। तो सांगपो नदी कौन कहलाती है तिब्बत में, यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा बी नंबर, ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी। या
ब्रह्मपुर नदी है और यह सांगपो नदी के नाम से जानी जाती है, और बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जानते हैं। ठीक है, ब्रह्मपुत्र तीन जगह आपका नाम होगा, एक तिब्बत में सांगपो का नाम, अरुणाचल प्रदेश में जब प्रवेश करती है तब अरुणाचल प्रदेश में दिहांग बोलते हैं, और जब आपके असम में प्रवेश करती है तब इसे ब्रह्मपुत्र कहते हैं, और जब आप बंगाल की खाड़ी में जाती है तब इसे क्या मतलब कि बांग्लादेश में पहुंचती है तब इसे क्या बोलते हैं, जमुना के नाम से जानते हैं। ठीक है, जमुना के नाम से जानते हैं ब्रह्मपुत्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, निम्नांकित में से कौन दो भारतीय राज्यों की सीमा पर स्थित झील है? तो दो भारतीय राज्यों की स्थित सीमा पर आपकी कौन सी हो जाएगी, यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा पुलिकट झील। तो पुलिकट झील आपकी जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के मध्य में स्थित है, या एक छिछली यह कह सकते हैं कि अनूप झील की है। और एक पॉइंट याद रख लेना पुलिकट झील से कि भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ठीक है, याद रख लेना भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, और यह आपकी श्री हरिकोटा द्वीप अर्थात इस झील के पास ही स्थित है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, प्रायद्वीपी भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती है? तो देखिए यहाँ पर कि अरब सागर में नहीं मिलती है, अब अरब सागर है कहाँ इतना आपको पता ही होना चाहिए, तो अरब सागर आपका यहाँ पर है, बंगाल की खाड़ी यहाँ पर है, तो अरब सागर में नहीं गिरती है, कौन सी नहीं गिरती है, यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा बी नंबर अर्थात कावेरी नदी। ठीक है, कावेरी नदी है आपकी कहाँ पर गिरती है, बंगाल की खाड़ी पे गिरती है, तो 11 का जवाब हो जाएगा आपका बी नंबर। और यहाँ पर कह सकते हैं कि भारत की प्रायद्वीपीय नदियों में से कुछ पूर्व ही कुछ पश्चिम की ओर बहती हैं आपकी नदियाँ, जिसमें से महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ये सभी आपकी पूर्व की ओर प्रभावित होती हैं। इसमें नर्मदा नदी है और आपकी ताप्ती नदी, ठीक है, नर्मदा नदी, ठीक है, नर्मदा और ताप्ती नदी, साथ में पेरियार भी आपको कहाँ पर बहती हैं आपके पश्चिम की ओर बहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, कयाल क्या है, कयाल तो कयाल क्या है, तो कयाल आपका केरल के लैगून है, अर्थात केरल में जो लैगून तट हैं उन्हें कहा जाता है आपके कयाल। ठीक है ना, जब नदी मुहाने पर समुद्र की धाराएँ या पवनों द्वारा बालू या मिट्टी के अवसादों से निर्मित टीलों के द्वारा स्थली जल क्षेत्र समुद्र से अलग हो जाता है तो उसे अनूप कहा जाता है। जैसे कह सकते हैं कि चिल्का हो गई, कोलेरू हो गई, पुलिकट हो गई, ये सब अनूप झीलें की उदाहरण होती हैं। ठीक है ना, तो यहीं पर आपका जो वर्ड यूज किया जाता है कयाल, मतलब वही आपके लैगून वर्ड के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट कह रहा है, सिंधु नदी का उद्गम होता है, सिंधु नदी का उद्गम होता है, तो भाई सिंधु नदी का जो उद्गम होता है वो कहाँ से होता है, तो कैलाश पर्वत से होता है, कहाँ से होता है, कैलाश पर्वत से होता है, और कैलाश पर्वत में स्थित एक झील है आपकी कौन सी, मानसरोवर झील, तो मानसरोवर झील से निकलती है, और इसकी जो लंबाई है वो आपकी 2880 किलोमीटर है, 2880 किलोमीटर, और कह सकते हैं कि जो सिंधु नदी है उसकी जो लंबाई है आपकी कितनी है, 2900 किलोमीटर है, इस कारण दोनों को जुड़वा नदी के नाम से भी जाना जाता है, सिंधु नदी को और आपकी ब्रह्मपुत्र नदी को। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी आपकी 2900 है, सिंधु नदी आपकी 2880 है, तो इन दोनों नदी को जुड़वा नदी के नाम से भी जाना जाता है। भारत में इसका अपवाह क्षेत्र की बात करें, सिंधु से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, क्योंकि अभी आपका पुलवामा जो अभी विवाद हुआ है तो उसके कारण 100% क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। तो यहाँ पर भारत में इसका जो विस्तार है वो 700 किलोमीटर है, ठीक है, 700 किलोमीटर है, फिर इसके बाद पाकिस्तान को सिंचित करते हुए ये आप मकरान तट पर अरब सागर में जाकर गिरती है, कहाँ पर, मकरान तट पर जाती है, फिर इसके बाद अरब सागर में गिरती है। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन से जलप्रपात नदी युग्म सुमेलित नहीं है, अर्थात यहाँ पर कुछ जलप्रपात हैं और ये नदी से मैच नहीं कर रहे हैं, तो कौन सा होगा, तो डी नंबर आपका लोध जो कि बाकर से, तो सबसे पहले हुंडरू स्वर्णरेखा पर है, जोन्हा जो कि राव ऊपर है, दसोंग आपका कांची पर है, यहाँ पर लोध बाकर, लोध जलप्रपात या बूढ़ी जल घाटी जलप्रपात के नाम से जाना जाता है इसे। ठीक है, लोध जलप्रपात या बूढ़ी घाटी जलप्रपात के नाम से जाना जाता है, जो झारखंड के लातेहार जिले में बूढ़ा नदी पर स्थित है। ठीक है, कौन सी नदी पर, ये झारखंड के लातेहार जिले में, ठीक है, झारखंड के लातेहार जिले में बूढ़ा नदी, ठीक है, बूढ़ा नदी पर स्थित है, और यह झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, याद रख लेना, जो आपका लोध जलप्रपात है ये झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, इस पॉइंट पर फोकस कर लीजिएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्वेश्चन आपसे कह रहा है,
अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने पर ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से संबोधित किया जाता है? अभी हमने आपको यहाँ पर क्वेश्चन बताया अभी था कि जो आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है तो तिब्बत में आपकी सांपो होती है, अरुणाचल प्रदेश में आपकी दिहांग के नाम से जानती है, असम में ब्रह्मपुत्र, और आपके बांग्लादेश में किस नाम से? जमुना के नाम से। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा दिहांग, अर्थात आपका जवाब हो जाएगा बी नंबर, ठीक है, बी नंबर। और ये असम में हमने बताया कि असम में आपकी ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं, वहाँ पर एक जगह पड़ती है सादिया और धुबरी, तो सादी असम में जब सादिया और धुबरी के बीच आती है तब उसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे, क्वेश्चन आपका है रजरप्पा किन नदियों के संगम पर स्थित है? रजरप्पा किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो भाई जो रजरप्पा स्थित है वो कौन सी नदी है? आपका जवाब हो जाएगा ए नंबर आपका दामोदर व भेड़ा नदी, ठीक है, दामोदर व भेड़ा नदी। अब बात आती है कि राजरप्पा झारखंड राज्य के रामगढ़ जिले में दामोदर व भैरवी या कह सकते हैं भेड़ा नदियों के संगम पर स्थित एक तीर्थ स्थल है, ठीक है। तो ये आपका जो रजरप्पा है यह एक प्रकार एक का आपका क्या है तीर्थ स्थल है, अत्यंत प्राचीन यहाँ पर एक मंदिर था, ठीक है, माँ छिन्नमस्तिका का मंदिर, ठीक है, माँ छिन्नमस्तिका का मंदिर है, और कह सकते हैं कि रजरप्पा जलप्रपात यहाँ का मुख्य आपका आकर्षण केंद्र भी रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन आपसे कह रहा है ब्रह्मपुत्र नदी उद्गम से लेकर डेल्टा तक निम्नलिखित में से किन किन देशों से गुजरती है? तो अभी अपने यहाँ पर नाम भी बताए थे, तो नाम के अकॉर्डिंग ये आपका ये भी हो जाएगी कि कहाँ कहाँ से होकर जाती है। तो सबसे पहली बात आती है कि आती कहाँ से है, तो इसको आपको शॉर्टकट में हम बता देते हैं। देखो आपका हिमालय पर्वत यहाँ पर है, और हिमालय पर्वत से आपका जो कि कह सकते हैं कि मतलब हिमालय पर्वत के पास में आपका कौन यहाँ पर तिब्बत है, तिब्बत में मानसरोवर झील है जो कि चीन में है, फिर आपके आती है भारत में, फिर आती है ब्रह्मपुत्र में, मतलब आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर आपका चीन भारत और बांग्लादेश, यहाँ पर सी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में कैलाश पर्वत पर एक पड़ता है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, ठीक है, कौन सा चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से स्थित है एक मानसरोवर झील, वहाँ से निकलती है जो भूटान तिब्बत, ठीक है, भारत बांग्लादेश ऐसे आते हुए भारत में प्रवेश कर जाती है, लेकिन भूटान में पहुँच नहीं पाती है, ठीक है ना, इसके अकॉर्डिंग आपका सही हो जाएगा चीन भारत और बांग्लादेश और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है भारतीय मरुस्थल की, ठीक है, भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी है कौन सी? तो मरुस्थल में विलीन हो जाने वाली एक नदी आपकी लूनी नदी, ठीक है, लूनी नदी है, लूनी नदी अजमेर के दक्षिण पश्चिम में अरावली श्रेणी से निकलती है, और यह नदी अरावली के समांतर अर्ध मरुस्थली प्रदेश में प्रवाहित होती हुई कच्छ के रण अर्थात दलदली क्षेत्र में विलुप्त हो जाती है। तो लूनी नदी एक ऐसी है जो एक भारत की सबसे लवणी नदी भी है, अंतःस्थली नदी भी है, और इसकी सूखड़ी एक सहायक नदी, वो भी याद रख लेना। तो लूनी नदी काफ़ी पूछी जाती है आपकी एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है लोकटक है एक, लोकटक, तो लोकटक एक क्या है? लोकटक आपकी झील है, लेकिन ये झील के साथ साथ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखे जाती है कि पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी, पूर्वोत्तर भारत की सबसे मीठी अर्थात पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी और मीठे पानी की झील कौन सी आपकी है? लोकटक झील है, जो कि आपके मणिपुर में है। कहाँ पर है? मणिपुर राज्य में है, और एक यहीं पर राष्ट्रीय उद्यान है केबुल लामजाओ नामक राष्ट्रीय वन्यजीव अभ्यारण्य है, इसी झील के समीप ही स्थित है, और यह विश्व का एकमात्र तैरता हुआ पार्क है। यहाँ पर आपके संगाई हिरण पाए जाते हैं, कौन से हिरण पाए जाते हैं यहाँ पर लोकटक झील में? संगाई हिरण पाए जाते हैं। तो एक वन्यजीव अभ्यारण्य है कौन का केबुल लामजाओ, जो इसमें तैरता हुआ अर्थात ये जो झील है उसी में आपके बीच में स्थित है आपका केबुल लामजाओ, जो कि विश्व का एकमात्र आपका राष्ट्रीय उद्यान है। 22 नंबर कह रहा है सिंधु नदी एक सहायक नदी है जो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है हुआ है, तो सिंधु नदी एक सहायक नदी है जो कि हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है हुआ है, अर्थात यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा? तो देखिए ए नंबर हो जाएगा सतलुज नदी, ठीक है, सतलुज नदी है जो हिमाचल प्रदेश से निकल के आती है, अर्थात सतलुज नदी का उद्गम है कैलाश श्रेणी के दक्षिणी ढाल पर स्थित है, मानसरोवर के निकट एक जगह पड़ती है राकस ताल, तो राकस ताल से होती हुई इसकी निकलती है लगभग 1450 किलोमीटर की दूरी कवर करती है, और इसी में आपका प्रसिद्ध बांध एक बना है भाखड़ा बांध, ठीक है, भाखड़ा बांध इसी नदी पर आपका बना हुआ है, और शिपकीला दर्रा से प्रवेश करती है अपने भारत में।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 23 नंबर, चंबल नदी किन राज्यों से प्रवाहित होती है? चंबल नदी किन राज्यों से प्रवाहित होती है? तो भाई ये किन राज्यों से प्रवाहित होती है, आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान। देखो ये आपके मध्य प्रदेश के आपके निकलती है, ठीक है, मध्य प्रदेश में एक जगह पड़ता है मऊ, ठीक है, तो चंबल नदी मध्य प्रदेश के मऊ के निकट विंध्य श्रेणियों से निकलती है। विंध्य श्रेणी के पास एक पाई जाती है पहाड़ी, जाना पाव पहाड़ी, तो जाना पाव पहाड़ी से निकलती है। और यह उत्तर प्रदेश राज्य में यमुना नदी में मिलने से पूर्व या मध्य प्रदेश राजस्थान के मध्य सीमा पर बनी हुई अर्थात है यहाँ पर, तो मध्य प्रदेश राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश से होकर बहती है। एक बात याद रख लेना, जो चंबल नदी है तो चंबल नदी पर कुछ बांध बने हैं जैसे गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध तथा एक बैराज और है कोटा बैराज, ठीक है, तो चार बांध आपके यहाँ पर बने हैं। अभी तक आपके 3 बांध पड़े होंगे आपने, गांधी सागर बांध, ठीक है, जो कि आपके कहाँ पर है, एमपी में, राणा सागर बांध राजस्थान में है, जवाहर सागर बांध राजस्थान में, तथा एक राजस्थान में कोटा बैराज के पास है, एक आपका कोटा बैराज नाम का बांध है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आपका 24 नंबर कह रहा है सांभर लवण झील कहाँ पर स्थित है, था सांभर झील है जो कि लवणी झील है, ये कहाँ पर स्थित है, तो सांभर झील आपकी जो है ये आपकी कहाँ पर है, जवाब हो जाएगा डी नंबर, राजस्थान, ठीक है। तो सांभर झील राजस्थान राज्य की राजधानी आपकी पड़ती है जयपुर, राजस्थान की राजधानी क्या है, जयपुर के समीप स्थित है एक लवणी झील या कह सकते हैं खारे पानी की झील, और इस झील से बड़े पैमाने पर नमक का उत्पादन भी किया जाता है। याद रख लेना जो सांभर झील है इससे काफ़ी बड़े पैमाने पर आपका नमक का उत्पादन भी किया जाता है, और इस झील में अरावली पर्वत श्रेणी के विशिष्ट चट्टानों अर्थात नीस गर्तों से भरा हुआ निक्षेप ही नमक का प्रमुख स्रोत होता है। तो सांभर झील आपकी राजस्थान में हो गई। और लास्ट आपका अंतिम क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन आपसे कह रहा है भारत के किस राज्य में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, तो खारे पानी की सबसे बड़ी झील ये आपके पड़ेगी ओडिशा में, ठीक है, ओडिशा में। और देखो यहाँ पर आपका राजस्थान नहीं दिया है क्योंकि जो अपवादित होती हैं उनको कभी आप कंबाइन नहीं करते हैं, क्योंकि हर एक क्वेश्चन दिक्कतें होती हैं तो हाई कोर्ट में पहुँच जाता है। इस कारण से अब जो भी आपके क्वेश्चन बनते हैं बिल्कुल सिंपल आपके बनते हैं ताकि किसी प्रकार का डाउट ना हो। तो यहाँ पर भारत की किस राज्य में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, तो राज्य हो जाएगा आपका 80 नंबर, अर्थात अभी आपको पढ़ाया है कि चिल्का झील है जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, और यह एक लैगून झील है जो कि बंगाल की खाड़ी का ही एक भाग होता है। तो हमने यहाँ पर 25 क्वेश्चन आपके मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन को कवर किया है। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक जरूर करिए और दोस्तों को भी शेयर करिए। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में आप जाइए प्लेलिस्ट में जितने वीडियो हैं उनको भी देख सकते हैं। तो जाते जाते लाइक करके जरूर ही जाइएगा, हमको भी अच्छा लगेगा। चलते हैं हम लोग, नए वीडियो के साथ मिलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।